एवरीवन, यस्टरडे मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि कुछ अलग ही उनका बिहेवियर था। वो कैसा बिहेवियर था हम आज देखेंगे आज के कंटिन्यूएशन टॉपिक में। फिर मैंने आपको बताया था टैक्सेशन इन डोग के बारे में कि कैसे एरिया बिटवीन टू रिवर उन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया था। फिर जब पता चला कि फार्मर सफ़र कर रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया फार्मर्स को। ओके सी, तो सो टुडे आर न्यू फ्रेश टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। ओके, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल ज्यादातर कैपिटल सिटी कौन से होते हैं चिल्ड्रन? दिल्ली होता था। अब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में क्या बताया जाएगा? सो लेट्स ओपन एट पेज 25, सी द फर्स्ट रो लास्ट पैरा। द मोस्ट इल फेमस एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना? यस। कौन से एक्सपेरिमेंट के बारे में? एसेंट्रिक, अलग ही बिहेवियर, उनका अलग ही प्रोसेस था, तो उन प्रोसेस के बारे में हम एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। द मोस्ट इल फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली टू देवागिरी में शिफ्ट कर लिया। ओके, वो वहाँ शिफ्ट हो गए। विच ही रीनेम दौलताबाद। उन्होंने क्या रीनेम किया चलो उसमें? दौलताबाद रीनेम किया। किसको? देवागिरी को दौलताबाद रीनेम दिया, मतलब नया नाम दिया। क्लियर? देयर वर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। ऐसे कौन से दो फैक्टर थे जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपना कैपिटल सिटी दिल्ली से दौलताबाद पर ट्रांसफर करना पड़ा, मतलब देवागिरी, जिसको उन्होंने रीनेम किया था। ठीक है, द टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। तो वो दो क्या रीजन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अपना राजपाट अच्छे से चलाना, इसको बोलते हैं। इसका कन्वीनियंस देखा उन्होंने। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, रक्षा जो होती है, सिक्योरिटी देना। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एंड सिक्योरिटी, द सुल्तान फेल्ट दैट द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रीन इन द डेक्कन। अगर हम दिल्ली पर रहेंगे, दिल्ली को कैपिटल सिटी मानेंगे, तो डेक्कन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पहला क्या रीज़न था कि हम अगर दिल्ली पर कैपिटल, दिल्ली को ही कंटिन्यू कैपिटल सिटी मानेंगे तो डेक्कन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मोर ओवर, दिल्ली वॉज लोकेटेड क्लोज टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। दिल्ली एकदम नॉर्थ वेस्ट साइड में है। क्लियर? दस बिकेम एन ईजी टारगेट फॉर द मुगोल्स। मुगोल कभी भी दिल्ली पर अटैक कर सकते हैं। पहला रीज़न क्या था कि डेक्कन पर कंट्रोल वीक हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये था कि अटैक हो सकता है मुगोल का, क्योंकि दिल्ली जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, एकदम नॉर्थ वेस्ट साइड में था, और वहाँ से मुगोल कभी भी दिल्ली पर अटैक कर सकते थे। ये दो फियर थे। दस बिकेमिंग एन ईजी टारगेट फॉर द मुगोल्स। देवागिरी विच वॉज फार अवे वुड रिमेन सेफ। देवागिरी बहुत दूर है तो हम सेफ रहेंगे। ये दो कारण थे, इसलिए दिल्ली कैपिटल के अलावा देवागिरी कैपिटल बना, जिसका नाम था दौलताबाद। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट पैरा। अकॉर्डिंग टू इब्न बटूटा द सुल्तान ऑर्डर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू माइग्रेट टू दौलताबाद। पूरी पॉपुलेशन जो दिल्ली में बसी हुई थी उनको ऑर्डर किया उन्होंने कि तुम दौलताबाद में आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। दो अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोड एंड शेल्टर, है ना, रोड का अरेंजमेंट और शेल्टर मतलब रहने का अरेंजमेंट किया उन्होंने। वर मेड फॉर द ट्रांसफर, बना दिया गया, रोड बना दिए गए और बीच बीच में रुकने का भी व्यवस्था कर दिया गया। उन्होंने अपने पूरे पॉपुलेशन को कहा कि शिफ्ट हो जाओ दिल्ली से दौलताबाद में, कभी भी मुंगोल का अटैक हो सकता है। सच अ लॉन्ग जर्नी, अबाउट 1500 किलोमीटर। तो जर्नी कितनी लंबी थी दिल्ली से दौलताबाद तक की? 1500 किलोमीटर तक की जर्नी थी, यात्रा। ओके, वॉज बॉन्डेड टू हैव इल इफेक्ट। इसका भी इल इफेक्ट हुआ। क्या नेगेटिव पॉइंट हुआ चिल्ड्रन इसका? मैनी पीपल डाइड ऑन द वे, कई लोग रास्ते में ही मारे गए।
क्लियर। तो हमारा क्या टॉपिक था यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल सिटी जो दिल्ली था वहाँ से शिफ्ट कर गए और देवागिरी को अपना कैपिटल सिटी बना लिया। ओके, जिसका नाम दिया उन्होंने दौलताबाद। इसके दो रीज़न थे चिल्ड्रन, कि डेक्कन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था दिल्ली से, और दूसरा रीज़न ये था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में था दिल्ली, तो मंगोल का कभी भी अटैक हो सकता था। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को ऑर्डर किया कि वहाँ से शिफ्ट यहाँ हो जाओ। इतना लंबा रन करने के कारण कई लोगों की डेथ हो गई, है ना। भले ही उन्होंने शेल्टर और फूड प्रोवाइड किया होगा, लेकिन फिर भी इतना लंबा जर्नी तय करने के कारण कई लोग डाइड हो गए रास्ते में। सो टोकन करेंसी, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना टोकन करेंसी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन, टोकन करेंसी। करेंसी मतलब क्या है, करेंसी मतलब उस समय के नोट सिक्के जो भी होते हैं, है ना, टोकन करेंसी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन, प्लीज ओपन दैट टॉपिक, पेज 25। टोकन करेंसी। इन 1329 CE मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी, एक टोकन बना दिया गया, है ना, जिसको हम टोकन मतलब क्या होता है समझ लो। तो अभी भी हम कहीं जाते हैं कुछ लेने के लिए तो वो हमको टोकन देता है ना। टोकन देने के बाद हमको फूड आइटम्स या मिलते हैं खाने के लिए, होता है ना कभी कभी ऐसा। हाँ, तो इन 1329 CE मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी, कॉइन मेड ऑफ कॉपर। कॉइन काहे के बने थे, टोकन करेंसी कौन सी थी, कॉइन्स थे, एंड दैट कॉइन वॉज मेड अप ऑफ कॉपर। वॉर इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर के कॉइन को रखा गया। ये किसने रखाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीज कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज द सिल्वर कॉइन, और वो दोनों कॉइन की सेम वैल्यू बताया, सिल्वर चांदी की भी कॉइन की भी वही वैल्यू और कॉपर के कॉइन की भी सेम वैल्यू बताया, यानी वैल्यू एक ही रहेगी। These coin had the same value as the silver coin and the Sultan asked people to use them for all purpose. और सब order दिया सुल्तान ने कि इस coin को हर purpose के लिए use करो, for all purpose. The measure was well thought out, but its execution was not. The Sultan did not take any precaution to prevent counterfeiting of copper coin. अब क्या हुआ, जनता चीटिंग करने लगी, है ना, कॉपर कॉइन काफ़ी सस्ते थे, है ना, तो चीटिंग होने लगी और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक कुछ कर नहीं पाए। ओके, वो क्या नहीं कर पाए, लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा। ओके, सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन निकाला, कॉपर कॉइन इतने सस्ते थे कि एक कॉमन लोग भी उसको बना सकते थे और अपनी करेंसी राजा की करेंसी बता करके यूज़ कर सकते थे, है ना, तो ये चीटिंग हुई, है ना, काउंटरफेयरिंग, फीटिंग का मतलब। कॉपर वॉज चीप एंड मैनी पीपल स्टार्टेड माइनिंग दैम एट हाउस। कॉपर बहुत ही चीप सस्ता था और कई लोग उसको माइनिंग करने लगे, मतलब बनाने लगे, है ना, उस पर जो भी स्ट्रक्चर था वो बना करके कॉइन बनाने लगे। अ लार्ज नंबर ऑफ फेक कॉइन स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इन द मार्केट। तो कई सारे कॉइन्स ऐसे ही निकल गए, कई लोगों ने बना लिए क्योंकि बहुत सस्ता था, और पूरे मार्केट में फेक कॉइन चलने लग गए, सर्कुलेटिंग इन द मार्केट। डिस्टेबलाइजेशन द इकोनॉमी, फॉरेन मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कॉपर कॉइन। जो फॉरेन मर्चेंट जो आते थे, बाहर के जो मर्चेंट होते थे, ओके, वो उस कॉइन को लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे क्योंकि काफ़ी चीटिंग चल रही थी उनके राज में, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। फॉरेन मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कॉपर कॉइन, फाइनली द सुल्तान हैड टू कॉल बैक ऑल कॉपर एंड कंपनसेट फॉर फेक कॉइन फॉर द रॉयल ट्रेजरी, है ना। फाइनली आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे कॉइन्स को अपने अंडर यानी वापस रखने के लिए कहा और फिर दूसरा मेथड स्टार्ट किया। तो इस तरीके से कॉइन की चीटिंग चल रही थी उनके राज में। सो अब नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पेज देखेंगे चिल्ड्रन। एक्सपेंशन स्कीम मोहम्मद बिन तुगलक की एक्सपेंशन स्कीम क्या थी, एक्सपेंशन स्कीम। सो सी, मोहम्मद बिन तुगलक विश टू
एक्सपांड हिज कंट्रोल टू पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया. उनका क्या विश था, क्या इच्छा थी कि अपना वो पूरा कंट्रोल पर्सिया से सेंट्रल एशिया तक पूरा करें. अ लार्ज आर्मी वॉज रेज फॉर पर्पस एक्सपेंडिशन टू खुरासन. द सोल्जर वर इक्विप्ड एंड पेड वन ईयर सैलरी. अब सोल्जर मंगाए गए. देखो अ लार्ज आर्मी वॉज रेज फॉर पर्पस. अब इसके लिए लार्ज आर्मी लगेगी. अगर मुझे पर्सिया से सेंट्रल एशिया तक कंट्रोल ओवर करना है तो आई नीड लार्ज आर्मी और नॉट. यस, तो मैंने क्या किया, आर्मी मंगाने के लिए एक साल का पूरा सैलरी पहले से ही प्रोवाइड किया उन सोल्जर्स को, है ना, जो मेरा साथ देने वाले थे. सी हियर द सोल्जर्स वेयर इक्विप्ड एंड पेड वन ईयर सैलरी इन एडवांस इन एन इंसेंटिव. इंसेंटिव मतलब यानी जैसे मुझे अगर एक साल की सैलरी एडवांस मिल जाए तो मैं कितनी खुश हो जाऊँ, है ना, वैसे सोल्जर को उन्होंने खुश करने की कोशिश की व्हेन ही प्रोवाइड वन ईयर सैलरी टू देम. हाउएवर दिस प्लान वाज सून अबंडन. ये प्लान अबंडन मतलब धरा का धरा रह गया. एज द सुल्तान रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ सेंडिंग अ ह्यूज आर्मी अक्रॉस द हिमालय, है ना, जब राजा को सुल्तान को रियलाइज हुआ कि इतनी ह्यूज आर्मी, है ना, देखो क्या लिखा है. However, this plan was soon abandoned as the Sultan realized the difficulty of sending a huge army. उतनी ह्यूज आर्मी को सेंड करना है, भेजना है, ह्यूज आर्मी अक्रॉस द हिमालय, हिमालय के अक्रॉस. By that time, elaborate preparation had further depleted his treasury. लेकिन ये जो थिंकिंग थी कि आर्मी को हिमालय के पार भेजेंगे, लड़ाई करेंगे और एरिया कब्जा करेंगे, है ना, तो एक ट्रेजरी हुई. देखो क्या हुआ. Another expedition was sent to conquer Kangrar region to extend the north boundary. Another expedition, और खर्चा भेजा गया, है ना, ताकि लार्ज आर्मी को और एक्सटेंड किया जाए और नॉर्दर्न कंगरा एक रीजन था उस पर कैप्चर करना है, है ना, जो नॉर्दर्न बाउंड्री के तरफ था. आफ्टर इनिशियल सक्सेस, शुरू में तो कुछ सक्सेस हुआ. आफ्टर इनिशियल सक्सेस ही दिस एक्सपेंडिशन आल्सो एंडेड इन डिजास्टर एंड ओनली हैंडफुल ऑफ द सोल्जर कुड फाइनली रिटर्न अलाइव, है ना. अब क्या हुआ, हिमालय में भेजा, कुछ जीत हासिल हुई, शुरुआत में तो वो सक्सेस हो गए. फिर उन्होंने क्या सोचा, सेकंड पैरा में देखो. अनदर एक्सपेंडिशन वॉज सेंट टू कॉन्कर कंगरा, है ना, और दोबारा फिर एक्सपेंडिशन भेजा गया ताकि कंगरा रीजन पर कब्जा कर लिया जाए, टू कैप्चर कंगरा रीजन, टू एक्सटेंड द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द एम्पायर. नॉर्दर्न बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया जाए और फैला दिया जाए, और मारो और काटो, है ना, लोगों को मारो, अपने एम्पायर को बढ़ाओ, इस तरीके से थिंकिंग की. After initial success, शुरू में तो success हुई, है ना, this expedition also ended in disaster. लेकिन जब disaster आया, तूफान आया, तो ये सारी planning धरी की धरी रह गई. And only handful of the soldiers could finally return alive. बस कुछ ही soldiers बच के निकल पाए थे ऐसे disaster में. Okay, हो सकता है कि हिमालय cross कर रहे होंगे, है ना, तूफान आ गया होगा, बर्फीला तूफान होता है ना, जिसमें कई सारे लोग दब के मर जाते हैं, लाइक दैट, ऐसा कुछ डिजास्टर आया होगा, ऐसा कुछ तूफान आया होगा जिसमें इतनी बड़ी आर्मी खत्म हो गई और हैंडफुल ही सोल्जर, कुछ ही गिनती के सोल्जर बच गए लड़ाई के लिए. तो ये सारा था एक्सपेंशन स्कीम. सो हियर सी द नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. इसमें देखेंगे हम चिल्ड्रन आर नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन. लेट्स कंटिन्यू. मोहम्मद बिन तुगलक हैड द लार्जेस्ट एम्पायर. बहुत ही बड़ा एम्पायर था मोहम्मद बिन तुगलक का. एवर हेल्ड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली, है ना, सुल्तान ऑफ दिल्ली की एक मिसाल थे वो, उनका बहुत ही बड़ा एम्पायर था. हाउएवर ही लैक्ड प्रैक्टिकल सेंस. मोस्ट ऑफ हिज पॉलिसीज वेयर विम्सिकल्स एंड इल एग्जीक्यूटेड. कई सारी जो पॉलिसी उन्होंने निकाली, काफ़ी अच्छी आर्मी थी, काफ़ी अंडा अच्छा मेंटेन किया था उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई थी. जैसे हमने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन की बात की चिल्ड्रन, है ना, उस तरीके से चीटिंग होना चालू हो गई थी. सो हाउ एवर ही लैक्ड प्रैक्टिकल सेंस. मोस्ट ऑफ हिज पॉलिसीज वेयर विम्सिकल्स. कई सारी जो पॉलिसी उन्होंने निकाली,
कॉइन के एग्जाम्पल ले लो, विम्सिकल मतलब खराब निकली, मतलब सक्सेस नहीं हुई. एंड इन एग्जीक्यूटेड हिज फेल्ड एक्सपेरिमेंट रुइन द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान. उसके जो कई एक्सपेरिमेंट थे जो फेल हो गए, उन्होंने प्रेस्टीज जो बना के रखी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई. ड्रेन हिज ट्रेजरी, और इसके कारण उनके जो खजाना था, ट्रेजरी खजाना, उस वो भी कम होने चला चले गया. ओके, कई सारी प्लानिंग उनकी थी जो फेल होती चली गई, और जो प्रेस्टीज स्टेज उन्होंने बना के थी, स्टेचस उन्होंने बना के रखा था स्टेचस, सो वो भी डिक्लाइन हो गया. सो हियर एंड वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑल ओवर द एम्पायर. पूरे एम्पायर में रिवोल्ट होने लगा. लोग बिल्कुल भी अनकन्वीनियंट थे, यानी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे उनके राज में. और फिर क्या हुआ कि रिवोल्ट ब्रोक आउट, रिवोल्ट होने लगा दिल्ली सल्तनत. रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑल ओवर द एम्पायर. द राजपूत रिकवर्ड देयर पावर. मेवार ब्रोक फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सल्तनत. हियर आई रिपीट द सेंटेंस. द राजपूत रिकवर देयर पावर. राजपूत ने फिर से अपना पावर रिकवर कर लिया, मतलब गेन कर लिया. ओके, राजपूत रिकवर देयर पावर. मेवार ब्रोक फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सल्तनत. मेवार फ्री हो गए सल्तनत के कंट्रोल से. ओके, डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड सिंध डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. और जहाँ पर उनका बंगाल सिंध जो राज मैं आपको बता रही हूँ, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने लगे. इंडिपेंडेंट मैंने आपको बताया था, है ना, कि राजा पर्टिकुलर अपने मंत्री को भेजता है पर्टिकुलर लैंड पर मिलिट्री ट्रेन करने या रेवेन्यू कलेक्ट करने. और जब राजा खतरे में पड़ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट खुद को राजा बता देते हैं, यानी चीटिंग करते हैं अपने सुल्तान से. द सल्तनत लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर द डेक्कन. डेक्कन पर पूरा कंट्रोल उनका लॉस्ट हो चुका था. एंड टू इंडिपेंडेंट किंगडम बिकेम पावरफुल टू द साउथ ऑफ द विद्यास. और दो किंगडम आगे आए थे जो पावरफुल शो हुए, वो कौन थे, विद्यास द विजयानगर एंड बहामानी किंगडम. ओके, दीज टू किंगडम्स बिकेम पावरफुल एट दैट टाइम. बाय द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स डेथ. जब मोहम्मद बिन तुगलक्स की डेथ हुई इन 1351, द सल्तनत हैड स्टार्टेड शोइंग एविडेंट साइन ऑफ डिके. सल्तनत, जो सुल्तान सल्तनत दिल्ली सल्तनत था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन शो करने लगा, धीरे धीरे ढलना चालू हो गया. तो यहाँ तक था मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा टैक्सेशन इन डोप, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, टेकिंग टेकन करेंसी, एक्सपेंशन स्कीम, बड़ी बड़ी आर्मी रखना, है ना. तो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ और कहीं कहीं उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से लूज पड़ गया. फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया कि लास्ट जो इवोल्यूशन था, जो चेंज आया, राजपूत कंट्रोल बढ़ता चले गया, दो पावरफुल टीम आगे आई जिनका नाम था विद्या और विजयानगर. ओके, और फिर उनके डेथ के बाद जो सल्तनत का जो पावर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट पीरियड में फिरोज शाह तुगलक. इसके बारे में नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे चिल्ड्रन. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.